नमस्कार दोस्तों, पीजी टेक्निकल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी अमेजन ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है, जी गाइस, अगर आप अमेजन पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या फिर अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हो या फिर अगर आप अमेजन पर अपना पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हो, अगर आपके मोबाइल में ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको ओटीपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और गाइस आपको ऑल पर सेट कर लेना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि अमेजन पर अगर आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है, अमेजन का जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको 3 से 4 स्टेप आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करके दोस्तों आप अपने मोबाइल में अमेजन ओटीपी प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में चेक करना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क नहीं कर रहा है तो इसके लिए सबसे पहले एक बार आपको अपने मोबाइल में फ्लाइट मोड को आपको ऑन करके ऑफ करना है। जी हाँ गाइस, जैसे आप फ्लाइट मोड को ऑन करके ऑफ करोगे तो गाइस आपके मोबाइल में यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा। और इसके बाद फिर भी अगर आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसके लिए गाइस आपको अपने मोबाइल में एसएमएस यानी मैसेजिंग एप्लीकेशन पर आपको टैप करके रखना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको ऐप इन्फो वाले इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की परमिशन को आपको यहाँ पर इनेबल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पर एक ऐप परमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि एसएमएस की परमिशन यहाँ पर इनेबल है या फिर नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर एसएमएस की परमिशन ऑलरेडी यहाँ पर इनेबल है, और इसके बाद यहाँ से गाइस आपको बैक आना है, और इसके बाद गाइस आपको ट्राई करना है अमेजन पर ओटीपी आ रहा है या फिर नहीं। लेकिन फिर भी गाइस अगर आपके अमेजन पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो गाइस आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जी गाइस, जैसे ही आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करोगे तो शायद से आपके मोबाइल में अमेजन ओटीपी प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, अमेजन पर जो आपका जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल में आएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप इन 3 से 4 स्टेप को फॉलो करके दोस्तों आप अपने मोबाइल में अमेजन ओटीपी प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।